नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। अपने टेरेस गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते। हर तरीके के प्लांट्स अपने टेरेस गार्डन में लगाते हैं, जिससे कि हमारा टेरेस गार्डन सबसे खूबसूरत और सबसे अलग दिख सके। लेकिन अगर हमारे टेरेस गार्डन में वाटर प्लांट्स ही ना हो तो हमारा टेरेस गार्डन थोड़ा अधूरा सा लगता है। वाटर प्लांट्स की दुनिया में ही एक स्पीशीज और भी है, जिन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, जो कि अंडर वाटर सस्टेन करते हैं। तो फिर आइए आज इन्हीं के बारे में कुछ जानते हैं। प्लांट्स की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें दो तरह के प्लांट्स आते हैं, एक तो वे प्लांट जो कि पानी के नीचे होते हैं, एक वो प्लांट जो कि पानी के ऊपर होते हैं। पानी के नीचे वाले प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, जिनको एक्वेरियम के अंदर, तालाब के अंदर और या कहें झोड़ के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो दूसरे प्लांट होते हैं वो आउटडोर प्लांट्स होते हैं, जो कि जनरली हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स के अंदर तीन कैटेगरी होती है। एक तो सबसे पहली कैटेगरी है फोरग्राउंड प्लांट, जो कि कारपेट प्लांट होते हैं, जो कि सबसे एक्वेरियम के सबसे आगे वाले पोर्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरे प्लांट वो जो कि मिड ग्राउंड यानी बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है बैकग्राउंड प्लांट, जो कि एक्वेरियम के बैक साइड में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बैकग्राउंड प्लांट कहा जाता है। सबसे पहले हम फोरग्राउंड प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला कारपेट प्लांट है उसको हम कहते हैं ग्लासोस्टिग्मा। ये एक कारपेट प्लांट है। इसको CO2 की थोड़ी सी ज़रूरत होती है और थोड़ी ज़्यादा हाई लाइट की ज़रूरत होती है। सेकंड प्लांट है जावामोस। ये सबसे ही ज़्यादा सिंपल प्लांट है और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा एक्वेरियम्स में किया जाता है। इसको आप किसी लकड़ी के ऊपर, पत्थर के ऊपर या किसी भी तरह के रॉक के ऊपर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड प्लांट है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकोटाइल। ये एक ऐसा प्लांट है, ये भी कारपेट के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा लो केयर प्लांट है। इसको एक बहुत नॉमिनल सी लाइट चाहिए, एक छोटा सा फिल्टर सिस्टम चाहिए। ये उसमें बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। फोर्थ कैटेगरी है, इसको बोलते हैं रिकामोस। ये है रिकामोस। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन रहता है, लेकिन इसको CO2 की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। और हमारा फिफ्थ एंड लास्ट एक और प्लांट है जो कि सबसे ज़्यादा एक्वेरियम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं हम हेयर ग्रास। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्लांट है और एक्वेरियम का लगभग हर हॉबिस्ट इसको इस्तेमाल करता है। अब हम मिडग्राउंड प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है इसको बोलते हैं क्रिप्टोकोरियन। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये जो वैरायटी है इसको कहते हैं क्रिप्टोकोरिन वेंडिटी ट्रॉपिका। अब इसके अंदर जो सेकंड प्लांट है उसको बोलते हैं एनुबियास नाना। ये एक्वेरियम की दुनिया का सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट है और इसको बुलेट प्रूफ प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसको किसी भी कंडीशन में रखा जा सकता है। इस प्लांट की दो वैरायटियां अवेलेबल होती हैं। वैसे बेसिकली बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर चलती हैं वो है एनुबियास नाना और एनुबियास वेरीगेटेड। अब हम तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हाइग्रोफिला पिनाटिफिडा। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप पत्थर के ऊपर लगा सकते हैं, लकड़ी के ऊपर लगा सकते हैं या फिर आप इसको सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं। ये किसी भी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। ये ऐसा इकलौता प्लांट है जो कि एक्वेरियम की हर कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसमें चौथा प्लांट आता है, इसको बोलते हैं जावामोस। ये पत्थर के ऊपर, स्टेनलेस स्टील पैड के ऊपर, रॉक के ऊपर और लकड़ी के ऊपर लगाया जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा लो केयर प्लांट है। अब हम अगली कैटेगरी के ऊपर जाते हैं। ये मोंटी कार्लो प्लांट है। ये मिड ग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों ही जगह यूज़ होता है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको थोड़ी सी CO2 चाहिए होती है। ये हाइग्रोफिला की एक वैरायटी है, इसको हाइग्रोफिला प्लांट बोलते हैं। अब एक ये और वैरायटी है, इसको बोलते हैं बॉलबैटिस फर्न। बेसिकली ये बहुत पॉपुलर प्लांट है और ये बहुत ही लो केयर प्लांट है। अब हम लास्ट कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बैकग्राउंड प्लांट है। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो आता है पेनीवुड। पेनीवुड बैकग्राउंड में भी यूज़ किया जाता है और पॉन्ड में भी यूज़ किया जाता है। और अब हम दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, इसको कहते हैं अमेजोन स्वॉर्ड। ये सबसे ही ज़्यादा कॉमन प्लांट है। ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कॉमन प्लांट है और लगभग
सभी स्टार्टिंग जो लोग करते हैं सभी एक्वेरियम में इस प्लांट को रखना पसंद करते हैं। अब ये थर्ड प्लांट जिसको बोलते हैं हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस। अब ये फोर्थ प्लांट है जिसको बोलते हैं लेजेंड्रा। ये रेड कलर की इसकी लीव्स होती हैं और ये देखने में बहुत सुंदर प्लांट है। अब हम लास्टली प्लांट के बारे में बात करेंगे जो है कि हाइग्रोफिला पिनाटिफिडा। ये मिड ग्राउंड में, फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में तीनों ही जगह यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम छत पर बागवानी में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महिलाओं का होता उत्थान, युवा प्रतिभाओं को मिला सम्मान, सरकारी प्रयासों से आती खुशहाली, खेतों में फैली खुशियों की हरियाली, विकास देता हर प्रश्न का उत्तर, अपनी कहानी कहता पूर्वोत्तर। देखिए पहली किरण, पूर्वोत्तर की कहानियाँ, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। भाई वाटर गार्डनिंग का ये एरिया तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो आइए इसके बारे में कुछ और भी जानें। फ्लोटिंग प्लांट हैं जो कि पानी की सतह पर तैरते हैं, वो पानी के अंदर डिप नहीं होते हैं, वो पानी की सतह पर तैरते हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी है वो है ये लुडविगिया, फ्लोटिंग लुडविगिया प्लांट। इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर हैं और ये बहुत अच्छे से फैलता है। मोस्टली जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं उनमें ये सबसे बेस्ट प्लांट है, लेकिन ये थोड़ा सा डेलिकेट है, इसकी पत्तियाँ कभी कभी निकल जाती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसको अच्छे से आपके पॉन्ड में, कंटेनर में या एक्वेरियम में जहाँ भी आपको प्लांट करना है वहाँ किया जाए। उसके लिए सबसे अच्छा है इस प्लांट को ऐसे बीच से पकड़ा जाए, ऐसे बीच से पकड़ने के बाद धीमे धीमे करके इसको इसकी सतह पर रख दिया जाए। अगर आप इस तरह नहीं रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ हैं वो इस तरह से, जैसे मेरे लुडविगिया में कुछ पत्तियाँ निकल गई हैं, इस तरह से उसकी पत्तियां निकल जाती हैं। अगर आपने इसको अच्छे से प्लांट किया तो ये मल्टीप्लाई बहुत अच्छा होता है और ये फ्लावर की तरह पूरा बंच टाइप बन जाता है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर है और इसकी पत्तियां हैं वो हल्की हल्की रेडिश हो जाती हैं। जैसे जैसे सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है इसकी पत्तियाँ हल्की हल्की रेडिश होना शुरू हो जाती हैं, जिससे ये और एक्वेटिक प्लांट से और फ्लोटिंग प्लांट से अपने आप को अलग करता है। ये है एक और फ्लोटिंग प्लांट है, इसको बोलते हैं सेल्विनी। इसको आप देखेंगे तो ये इस तरह का प्लांट है, इसमें इस तरह से जड़ें होती हैं और ये इस तरह से लगाया जाता है और ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होने वाला प्लांट है, बहुत कॉमनली आराम से चलता है। और हमारे यहाँ के NCR, दिल्ली NCR जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे ये बेस्ट है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 45 डिग्री तक भी इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलता है और इसको एक्वेरियम में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्वेरियम के अंदर ये बहुत ही अच्छा गेटअप देता है, क्योंकि नीचे फ्लोटिंग, ऊपर फ्लोटिंग प्लांट पूरे होते हैं और नीचे एक्वेरियम प्लांट होते हैं, तो उसमें इसकी जड़ें जो होती हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हम इसकी जड़ें उठाने के बाद ही देख पा रहे हैं, लेकिन एक्वेरियम में इसकी पूरी जड़ें विजिबल होती हैं, तो हम इसकी जड़ों को देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं जब वो पानी के अंदर नीचे की तरफ आती हैं। हम लोग एक और फ्लोटिंग प्लांट के बारे में जानेंगे, तो इसको फ्लोटिंग नहीं बोल सकते हैं, ये डीप वाटर में ही होता है, फ्लोट ज़्यादा करता नहीं है,
ये लुडविकिया की एक वैरायटी है, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। इसको शेडी एरिया में रखें, धूप में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसको। ये बहुत ही तेज़ी से, जिसको जहाँ जगह मिलती है, जहाँ स्पेस मिलता है, ये उसी तरफ बढ़ता है। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, देखिए किस तरफ से किस तरह बढ़ रहा है। इधर भी चलता है, इधर भी चलता है, जहाँ इसको स्पेस मिलता है ये उसी तरफ बढ़ता है। बहुत ही लो केयर प्लांट है, इससे ईजीएस्ट प्लांट एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर कोई भी नहीं है। इस प्लांट को एक्वेरियम के लिए भी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको तोड़कर एक्वेरियम के बैकग्राउंड में प्लांट कर सकते हैं। इसको फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड में कभी ना प्लांट करें, नहीं तो ये आपके फोरग्राउंड वाले प्लांट को पूरी तरह ढक देगा। इसको बैकग्राउंड में इस तरह से प्लांट करें, और ध्यान रहे ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, इसकी जल्दी जल्दी कटिंग करते रहें, नहीं तो ये दूसरे प्लांट्स को ढक देगा। इसको बोलते हैं डकवीड। ये बहुत ईजी प्लांट है, इसका पत्ता बहुत छोटा होता है और बहुत छोटी जड़ें होती हैं। इसको आप किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं, वो आपका एक छोटा सा बाउल हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा कंटेनर, ऐसा बर्तन जिसके अंदर पानी हो, ये उसके अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ज़रूरी नहीं है आप इसको सनलाइट दें, आप इसको घर के अंदर भी बहुत ईजी तरीके से रख सकते हैं। इसको लगाने से बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया ग्रीन दिखता है। अब हम बताने जा रहे हैं एक और फ्लोटिंग प्लांट के बारे में, जिसको अजोला बोलते हैं, मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं। मॉस्किटो फर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतना छोटा प्लांट है, कह सकते हैं कि फ्लोटिंग प्लांट में सबसे छोटा प्लांट है ये। ये पानी के ऊपर ऐसी लेयर बना देता है कि मॉस्किटो इसके अंदर अपना लार्वा छोड़ ही नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा जाल बना देता है ये कि मॉस्किटो उसमें अंडे ही नहीं दे पाते हैं, इस वजह से इसको मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं। अब एक और फ्लोटिंग प्लांट के बारे में बताएंगे, ये बहुत कॉमन है और बहुत आसानी से मिल जाता है, वाटर कैबेज। ये बहुत इजी प्लांट है, इसको अक्सर इसको एक्वेरियम के अंदर यूज़ किया जाता है, पॉन्ड के अंदर तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड इतना है कि इसको एक्वेरियम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रोग्राम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये है एक वाटर लिली, एक वाइट कलर का वाटर लिली है। इसको अब हम प्लांट करने वाले हैं सॉइललेस मीडिया में। अब ये सॉइललेस मीडिया, इसके अंदर हमें मिट्टी की जरूरत नहीं है, जो कि हम जनरली देखते हैं तालाबों में और लोगों के घरों में। जो भी लिली और लोटस लगे हुए होते हैं वो मिट्टी में होते हैं, और जिससे पानी गंदा भी रहता है और देखने में उतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगता है। अब हम इस प्लांट को प्लांट करने वाले हैं सॉइललेस मीडिया में। ये हैं आयरन चिप्स, इनको लावा, जो वॉल्केनो रॉक होते हैं, ये उसका चूरा है, वॉल्केनो रॉक। ये क्ले बॉल, ये पोरस के क्ले बॉल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, इसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इन वॉल्केनो रॉक और इन क्ले बॉल की मदद से अब हम इस प्लांटर के अंदर इस वाटर लिली को प्लांट करेंगे।
इस वाटर लिली को प्लांट करने के बाद ये हमने एक बड़ा कंटेनर लेना है। इस बड़े कंटेनर के अंदर हम इस वाटर लिली को प्लांट करेंगे। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है, आखिर इस पॉटिंग मीडिया को क्यों इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना जो, क्योंकि पैटर्न तो ये चलता आ रहा है कि मिट्टी के अंदर ही लोटस को लगाया जाता है और कहावत भी है कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, फिर ऐसा क्यों कि हम इस पॉटिंग मीडिया से इस लोटस को प्लांट करेंगे। इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ज़्यादा है कि इससे हमें मिट्टी के अंदर से जितनी मिट्टी में हमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर है। और ये क्ले बॉल्स हैं, ये क्ले बॉल्स इसकी रूट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। जब भी सूरज की रोशनी जैसे कि पॉन्ड्स में पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस जब बनता है सूरज की रोशनी पड़ने से तो इनको न्यूट्रिशन मिलता है। और सबसे अगर आपको इसके लिए बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इस पॉन्ड के अंदर मॉलीज डालें, गप्पी डालें, प्लेटी डालें। वो क्या होता है, उसके वेस्ट से जो वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उससे उनको नाइट्रेट मिलता है और वो नाइट्रेट इन प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का काम करता है। अब इस एक्वा क्ले बॉल को हमने इस तरह से इस कंटेनर के अंदर डालना है। 4 इंच की लेयर हमें बनानी है, 4 इंच की लेयर से ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। अब इस लिली को हमने लेना है, ये हमने वाइट लिली लिया है, अब इस वाइट लिली को हमने लेना है। इसकी जड़ें हमने इस प्लांटर के अंदर लगानी है। इस प्लांटर के अंदर लगाने के बाद हमने इसको इस दूसरे पॉटिंग मिक्स से भरना है जो कि लावा रॉक है। लावा रॉक्स वॉल्केनो के टुकड़े हैं। अब इससे हमको इस कंटेनर को अच्छे से भरना है चारों तरफ डालकर। ध्यान रहे आप अपने प्लांट को ऊपर से पकड़े रहें, नहीं तो ये आपका प्लांट सीधा नहीं लग पाएगा। अब धीमे धीमे करके, जल्दबाजी ना दिखाएं, इसको धीमे धीमे इसके अंदर भरें। आराम से इसको पूरा भर लेने के बाद अब हमें चाहिए पानी। अब इस पानी को हमने इस कंटेनर के अंदर डालना है ताकि आपका प्लांट ना सूखे, ताकि इसकी जड़ें सूखे ना। उसके लिए हमने इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता करके भरना है। ध्यान रखें पानी को एकदम से तेज़ी से ना डालें, पानी को बहुत धीमे धीमे करके डालें और सीधा जड़ों पर ना डालें, इसको साइड साइड से आप भरते रहें धीमे धीमे करके। और अब देखिए मैंने इस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर पानी भर दिया है। इसके बाद हमने एक चीज़ और करनी है, हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जड़ें पानी अच्छे से सोख कर लें। अब हम इस लिली को जो कि हमने प्लांट किया है इस तरह से ऊपर से पकड़ना है और एक हाथ उसके प्लांटर से पकड़ना है, धीमे धीमे करके इसके अंदर छोड़ना है और इसकी पत्तियों को अच्छे से पानी के अंदर डिप कर देना है। और इसके अंदर अब आपने पानी ऐड करना है बहुत आराम से। इसका एक बड़ा अच्छा ट्रिक है, अपने हाथ को इस तरह से रखें और तब पानी डालें, इससे आपके प्लांट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और पानी अच्छे से आपके कंटेनर में चला जाएगा। इस तरह से धीमे 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 करके, इसमें जल्दबाजी ना दिखाएं, नहीं तो आपकी जो लिली है उसकी पत्तियां डैमेज हो सकती हैं। धीमे धीमे करके पानी को इसके अंदर डालना है। अब ये हमारा फाइनल आखिरी काम है, इसके अंदर फिश डालना। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है अगर हम अपने घर के बाहर या छत पे बालकनी में अगर पॉन्ड लगाते हैं लिली लोटस को ग्रो कराते हैं, क्योंकि लिली लोटस बहुत सुंदर फूल आता है तो सभी लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन मन में ये डाउट होता है कि इससे मच्छर पैदा होंगे, तमाम तरह की एल्गी आएगी जो कि देखने में सुंदर नहीं लगेंगी। तो उसके लिए हम आज इस फिश को डालने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक मॉली। वैसे तो ये इस लिली और लोटस के लिए, पॉन्ड्स के लिए बहुत सारी फिशेज़ आती हैं, गप्पीज़ हैं, प्लेटी है, मॉली है, मॉली की बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन आज हम ब्लैक मॉली यूज़ करने वाले हैं।
ब्लैक मॉली इसलिए क्योंकि ब्लैक मॉली इकलौती ऐसी मछली है जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रीन एल्गी को खाती है और सबसे ज़्यादा मच्छर के लार्वा को खाती है। तो इसके लिए आज हम इस मॉली को इस पॉन्ड के अंदर डालने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान दें कि अच्छे से देख लें कि मॉली आपके पत्ते पर तो नहीं रुक गई है, उसको अच्छे से पानी के अंदर डाल दें और आप अच्छे से अपनी इस हॉबी को चला सकते हैं। प्लांट डिपेंड है मछली के ऊपर, मछली डिपेंड है प्लांट के ऊपर, क्योंकि जो नाइट्रेट होता है, जो अमोनिया होता है, वो मछली के लिए बहुत जानलेवा है, उससे मछली मर जाती है। तो प्लांट सारा का सारा अमोनिया नाइट्रेट कंज्यूम करता है और बदले में उसको फ्रेश ऑक्सीजन देता है और मछली उसको नाइट्रेट देती है, तो इससे ये पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है। यूं तो हमें एक्वेटिक प्लांट्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर हमारे घर में ही एक्वेटिक प्लांट्स हो तो इट्स अ ब्लेसिंग। आज हमने वाटर प्लांट्स की एक अलग ही दुनिया के बारे में जाना। तो हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।